तो आफ्टर माय प्रीवियस वीडियो अबे गांडू उकाद में रहे अपनी मैया फ्री फायर से क्या प्रॉब्लम है आपका डज ही इज गिविंग रैंक ओनली टू हिज फेवरेट यूट्यूबर्स पीओवी ऑफ फॉरएवर प्रिंस फ्री फायर कम्युनिटी स्टट्टी एंड पबजी बीजी माय कम्युनिटी इज गुड ओनली गेमिंग ओके लास्ट मेरा थोड़ा तमल के वो भी तभी ट्रेंडिंग गेम खेलता है एंड स्टिल भी है तो है कौन में बहुत सभी ठीक है तुमने गेम ऑफ क्रिकेट नीचे क्यों डाला वो गुड एंड कोडेड में डालो गाली 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 एल रिसर्च ऑन राजित थरू अबे चल बों सॉरी के तो आफ्टर रिसीविंग दीस काइंड्स ऑफ कमेंट मैंने डिसाइड किया है टू मेक अनदर पार्ट ऑफ रैंक इन इंडियन गेमिंग यूट्यूबर्स पार्ट 2 तो यार पिछले वीडियो के बाद मेरे को बहुत सारा लव एंड हल्का फुल्का हेट भी मिला जो कि एक्सपेक्टेड था बट वो चीज मेरे को बिल्कुल भी रोकने नहीं वाली थी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाने से तो इसलिए आज दोबारा आ चुका हूँ इसका पार्ट 2 लेकर और हाँ पिछले वीडियो में मेरे को बहुत सारे बंदों ने कहा था कि भाई कैरीज लाइव राइव इंसान वो किधर है तो यार मैंने उनको इसलिए अपनी लिस्ट में नहीं रखा था क्योंकि उनका मेन कॉन्टेंट गेमिंग नहीं है उनका कैरी का मेन कॉन्टेंट रोस्टिंग है एंड ट्रिगर इंसान का हंसना बट आपके इतने सारे कमेंट्स के बाद मैंने उनको फाइनली यहाँ पर अपने लिस्ट में रख लिया है एंड आज हम अपने लिस्ट की शुरुआत ही उन्हीं से करने वाले हैं तो नंबर 1 पे आ रहे हैं हमारे लाइव इंसान तो मेरे ख्याल से लाइव इंसान ने अपने चैनल 2017-18 में या 19 में बनाया था मेरे ख्याल से एंड देन वो उस समय पबजी खेला करता था अपने चैनल के ऊपर बट देन ही एक्सपेंडेड हिज नॉलेज ऑफ गेम्स एंड अब वो बहुत सारी इंडी हॉरर गेम्स एंड बहुत सारे अलग अलग गेम्स अपने लाइव स्ट्रीम पे या अपनी वीडियोस पे खेलता रहता है एंड दैट्स रियली ग्रेट बट अगेन उसके ऑडियंस भाई उसके मेन चैनल से आई है एंड उसके मेन चैनल के ऑडियंस में मोस्टली बच्चे ही हैं एंड यू नो कि बच्चों का जो ट्रेट होता है वो होता है भाई दैट दे आर ऑब्सेसिव वो ऑब्सेसिव नेचर के होते हैं एंड इसलिए वो बहुत सारे अलग यूट्यूबर्स को चांस नहीं देते हैं बस वो अपने एक क्रिएटर को ही देखना पसंद करते हैं तो बस इसी रीज़न की वजह से यार मैं इस बंदे को पुट करने वाला हूँ गुड कैटेगरी के अंदर यप नॉट गोटेड बट या गुड ये बंदा डिजर्व करता है नेक्स्ट इज कैरीज लाइव तो मुझे याद है कि कैरीज लाइव ने अपना चैनल 2016-17 में बनाया था एंड भाई वो बंदा उस समय से गेमिंग करता हुआ आ रहा है एंड मुझे याद है कि वो पहले अपने स्ट्रीम्स पे CS:GO एंड पबजी PC खेला करता था अपने फ्रेंड्स के साथ एंड वो भी उस समय पे जिस समय किसी को गेम्स क्या होती है इससे की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी बस ये हो गया बीस बॉय हो गया एंड बाकी ऐसे यूट्यूबर जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं बस वही बंदे उसमें गेमिंग कर रहे थे वो भी प्री जियो एरा में जब तक जियो आया ही नहीं था तो यार कैरी वो बहुत पहले से लाइव स्ट्रीम करता हुआ आ रहे हैं एंड आई रिस्पेक्ट हिम ही इज़ अ गुड एंटरटेनर एंड अ गेमर एंड इसलिए मैं इसको अगेन यहाँ पुट करने वाला हूँ अपने गुड कैटेगरी के अंदर यस नॉट गॉट इट बट गुड ये बंदा डिजर्व करता है अब तीसरे नंबर पर जो आ रहा है वो अपना एंड्रो बी तो यार एंड्रो बी का कंटेंट मैंने आज तक कंज्यूम नहीं किया है लेकिन उसके बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे पिछले वीडियो में तो मैं उसका कंटेंट चेक करने गया एंड आई वाज सरप्राइज्ड इन अ बैड वे क्योंकि यहाँ पर उसका चैनल मुझे लगा यार कि मैं गलत पे आ गया होगा कोई चैनल पे उसके चैनल पे गेमिंग वीडियोस थी नहीं ही इज जस्ट रिएक्टिंग टू मीम्स एंड वगैरह वगैरह चीज़ें वो कुछ भी नहीं कर रहा मेरे चैनल के ऊपर गेमिंग अगर थी भी तो वो माइनक्राफ्ट था एंड वो बहुत पहले लाइक 2 साल पहले की वीडियोस थी उसकी वो तो ये आई वाज शॉक्ड एंड मुझे लगा यार ये बंदे यहाँ पर कर भी कह रहा है बट अगर मैंने उसको यहाँ पर लिस्ट में रख लिया तो पुट भी कर देते हैं तो यार एंड्रो बे विल बी इन यूजलेस कैटेगरी फॉर मी क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहा है लाइक रचित 2.0 है ये छोड़ के आगे बढ़ गया था और अब नेक्स्ट है IMBixu तो IMBixu के चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी एंड पहले ये ऑफ कोर्स माइनक्राफ्टिया कंटेंट क्रिएटर था जो कि बस माइनक्राफ्ट वीडियो डालता था बट नाउ ही हैज स्टार्टेड प्लेइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट गेम्स एंड वो सारे के सारे गेम्स बहुत ही अजीब होती हैं लाइक दे आर नॉट हार्डकोर गेम्स बट स्टिल द वीडियोस आर गुड इनफ बाई एंटरटेनिंग इनफ होती हैं तो यार मैं इसको पुट करूंगा मेरे सही है कैटेगरी के अंदर सही है अब जो आ रहे हैं भाई वो है हमारे देसी गेमर्स तो फ्री फायर वाले बंदे मेरे से बहुत ही नाराज रहते हैं कि भाई तुम उनको इतना ब्लेम क्यों करते हो यार मेरा अगर आपको जानने कि मैं उनको क्यों इतना क्रिटिसाइज करता हूँ यार उनको भी नहीं पबजी वालों को भी तो वॉच माई दिस लेटेस्ट वीडियो इसमें आपको मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ जाएगा बट देसी गेमर्स यार उसका मैंने कॉन्टेंट चेक किया एंड अगेन अ फ्री फायर ऑब्सेस्ड कॉन्टेंट है उसका बट यहाँ पर एक बात है जो मैंने अपनी इस वीडियो में बात की थी वो ये बंदा अप्लाई करता है जहाँ पर ये फ्री फायर खेलते हुए बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज लगाता है अपने वीडियोस में एंड वो इम्प्रेसिव था वो कमेंडेबल था कि चलो भाई अगर ये गेम खेल भी रहा है तो उसमें एटलीस्ट ये सोच तो रहा है कि मैं कोई क्रिएटिव काम करूँ उसमें तो वो चीज़ बढ़िया है एंड मैं यही चाहता हूँ बिग यूट्यूबर से कि अगर आप एक गेम में खेलते हो एटलीस्ट उसी गेम में कोई क्रिएटिव आइडिया लगाओ बट हाँ बस एक फ्री फायर कॉन्टेंट है तो यहाँ पर मैं इनको पुट करूँगा अपने नो इम्पैक्ट कैटेगरी के अंदर क्योंकि भाई जितना भी आप ट्राई कर लो फ्री फायर कभी भी कोई बहुत सिग्निफिकेंस इंपैक्ट नहीं ला पाएगी किसी भी तरह की कम्युनिटी के अंदर तो ओके
अब जो बंदा आ रहा है वो है यस स्मार्टी पाई। तो यस स्मार्टी पाई अपने चैनल पे बस माइनक्राफ्ट की वीडियो अपलोड करता है, और वो छोटी मोटी वीडियोस नहीं होती हैं, वो होती हैं 40 मिनट की या एक घंटे की। और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है माइनक्राफ्ट से, माइनक्राफ्ट मैं भी कभी ना कभी अपने लाइफ में खेलूंगा, बट मेरे को इससे प्रॉब्लम है कि अगर कोई यूट्यूबर एक ही गेम खेलता है तो यार वो एटलीस्ट अपने कंटेंट में कोई क्रिएटिविटी पुट करे या वो सारी गेम्स ट्राई करे। एंड इसलिए यार यस स्मार्टी पाई भाई होंगे मेरे लिए नो इम्पैक्ट कैटेगरी के अंदर। अब जो आ रहे हैं वो हैं बैटल किंग। तो यार बैटल किंग इज एन ओजी यूट्यूबर जो कि बहुत साल 6 साल पहले से अपने चैनल पे वीडियोस डाल रहे हैं, एंड ही प्लेस ऑलमोस्ट एवरी गेम। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनको मैं भी नहीं जानता भाई, एंड ये बहुत ही लंबी वीडियोस बनाते हैं विद अ हार्ड हिंदी कमेंट्री, लाइक बहुत ही शुभ हिंदी बोलते हैं अपने वीडियोस में ये। और भले ही इनके वीडियोस पे व्यूज थोड़े बहुत कम आते हैं, बट स्टिल आई थिंक मैं इनको पुट करूंगा अपने सही है कैटेगरी के अंदर। सही है। अब जो आगे हैं वो है हिंदुस्तान गेमर्स। तो यार हिंदुस्तान गेमर के लिए मेरा हल्का सा बायस हो सकता है, क्योंकि यार मैंने इनकी वीडियो बहुत ज़्यादा देखी है इन माई चाइल्डहुड। इनके GTA 5 वाले वीडियो विद दैट ओगी वॉइस ओवर वॉज रियली समथिंग एल्स। लेकिन अब जब मैं इनका दोबारा चैनल देखता हूँ तो इनका चैनल अभी बहुत बड़े डिक्लाइन में है, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, एंड सेकेंड इनकी वॉइस क्वालिटी बहुत ही बुरी हो चुकी है पहले से, लाइक आई डोंट नो व्हाई। लेकिन इनका माइक काम करना बंद कर दिया गया, लाइक क्या हो गया इनकी वॉइस क्वालिटी को। तो यार अभी इनका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है हमारी कम्युनिटी के ऊपर, तो ये होंगे नो इम्पैक्ट कैटेगरी के अंदर। अब आगे जो बंदा आ रहा है उसको मेरे को बहुत ही रिकमेंड किया गया था इन माय प्रीवियस वीडियो, एंड वो है Case 2। तो Case 2 के दो चैनल हैं, एक में वो बस BGMI पबजी खेलता है, एंड दूसरे में वो GTA 5 की रेसेस कम्प्लीट करता है, एंड दे बोथ हैव द सेम वीडियोस इन इट। लेकिन बंदे इसको बहुत ही पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ हिज कमेंट्री एंड हिज पर्सनैलिटी, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे ख्याल से इसकी वीडियो सही में अच्छी होती हैं बिकॉज ऑफ हिज कमेंट्री। कोई एडिटिंग ज़्यादा नहीं होती लेकिन इसकी कमेंट्री सही में इंटरटेनिंग होती है, एंड इसलिए मैं भी इसकी वीडियो पर हल्का फुल्का देर तक टिक गया था, बट या यार नथिंग मोर देन दैट। तो मैं इसको भी कन्फ्यूज है कि कौन सी कैटेगरी में रखूँ, सही है कैटेगरी या नो इम्पैक्ट, बट मैं जाऊँगा यार सही है कैटेगरी में। ओके और अब आगे हैं हमारी लिस्ट में खतरनाक ईशान, एंड ही इज़ अनदर माइनक्राफ्ट या GTA 5 या जो कि बस ये दोनों गेम अपने चैनल्स पे खेलता है, एंड ऑल्सो सिटी स्काईलाइंस। और उसके बाद भी कोई नवी गेम्स आ गए तो वो भाई ट्राई कर लेता है, बट रियली यहाँ पर कोई भी बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल कंटेंट नहीं है भाई का, और कोई बहुत माइंड ब्लोइंग चीज़ नहीं कर रहा है। तो अभी आई एम कन्फ्यूज कि मैं इसको कहाँ रखूँ, नो इम्पैक्ट या यूजलेस में, बट यार मैं जाऊँगा यूजलेस में क्योंकि बहुत ही खाली खाली लग रहा है वो। तो यार अब ये वीडियो होने को आ गई, एंड बस लास्ट 2 कैटे यहाँ बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमको कोई भी बंदा गोटेड या 30 कैटेगरी में मिला ही नहीं है। तो अब मेरे ख्याल से हमको उसको फिक्स करने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर जो अगला बंदा आ रहा है वो है Izo18Rip, एंड ये बंदा यार सही में एक लेजेंड है, क्योंकि इसने अपना चैनल बनाया था बहुत पहले 2012 के टाइम पे, एंड तब से वीडियो डालता हुआ आ रहा है। 2013-14 से Assassin's Creed की वीडियो डालना इसने चालू किया था, एंड अभी तक ये वीडियोस डालता रहा है। एंड इसलिए भाई ये बंदा भी एक प्रॉपर गेमर टाइप गेमर है, जहाँ पर ये सारे की सारी गेम्स खेलता है इंक्लूडिंग Elden Ring एंड बाकी सारे गेम्स भी खेलते हैं। इसका कॉन्टेंट भी अच्छा है, एंड ही इज़ अ पायनियर इन आर गेमिंग कम्युनिटी, वन ऑफ द फ्यू पीपल जो कि सही में रिस्पेक्टेड है इन आर कम्युनिटी। इवन तो उसके बारे में बहुत सारे बंदे जानते नहीं हैं, बट स्टिल मैंने इसको इंक्लूड करना था अपने पिछले वीडियो में भी, बट वहाँ पर बहुत सारे बंदे थे तो मैंने इसको इसमें इंक्लूड कर लिया है। एंड दिस भाई इज़ अ ग्रेट यूट्यूबर, तो इसलिए मैं आप इनको पुट करने वाला हूँ अपने गोटेड कैटेगरी के अंदर। तो यार अब इन दी लास्ट हमारे पास बस अपना एक लौता क्रिएटर बचा है, एंड यहाँ पर क्या ये बंदा 30 डिजर्व करता है कि नहीं उसके बारे में हम जानते हैं, बट फर्स्ट हम इसको रिवील करते हैं, एंड ये है नियो। तो यार नियो जैसे बंदे को देखकर आप बता सकते हो कि ये किस तरह के लौंडे होते हैं। इन लोगों की पूरी लाइफ, पूरी की पूरी वैलिडेशन इज़ देयर नंबर्स, इनके सोशल मीडिया पे जितने भी फॉलोअर्स हों, सब्सक्राइबर्स हों, वही इनकी लाइफ होती है। एंड जिस दिन इनसे ये छिन जाती है उस दिन आपको बस ये दो जगह मिलते हैं, या तो टेरेस पे या तो ये भीख मांगते हुए आपको मिलेंगे, क्योंकि इनके पास कोई भी रियल लाइफ स्किल्स नहीं होती हैं, कोई भी इन्होंने अपनी स्टडी पूरी नहीं की होती है, बट लकी होते हैं एंड टॉक्सिक भी होते हैं, इसलिए इनको पबजी कम्युनिटी जो हमारी है वो एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि पबजी कम्युनिटी इज़ फुल ऑफ विद दीज टाइप्स ऑफ क्रिएटर जो कि बहुत ही टॉक्सिक चूती होते हैं। एंड या कॉन्टेंट वाइज भी इसने कुछ नहीं किया, लाइक पबजी खेल रहे बैठ के, यार कुछ कर ले, गंदे तरीन व्लॉग्स बनाता है ये अपने चैनल पे, एंड आई थिंक ये हमारी 30 कैटेगरी को एब्सोल्युटली डिजर्व करता है। मुझे पता है बहुत सारे बंदे बोलेंगे भाई इसको और नीचे रखो क्योंकि इसने भी जो रिसेंटली किया था, बट भाई मेरे ख्याल से नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा डिजर्व करता है ना हमारी 30 कैटेगरी को फ्रॉम ऑल दी अदर क्रिएटर्स, वो यही बंदा होगा, इसके आस पास कोई नहीं आता।
तो ये रही गाइस, ये मेरी इस वीडियो की रैंक लिस्ट। एंड अगर आपकी लिस्ट मेरे से डिफरेंट है तो यार प्लीज मेरे को बताओ उसको मेरे कमेंट्स में। और सेकंड यार, इनमें नियो को छोड़ के मैं किसी भी क्रिएटर को बुरा नहीं कहना चाह रहा था, ना मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, बस मैं उनको उनके कॉन्टेंट के वाइस से इस वीडियो में रैंक किया है। तो प्लीज नो हेट टू एनी ऑफ दीज क्रिएटर्स, बहुत ही अच्छे इंसान होंगे ये सब, आई डोंट नो, बट मैंने इनको बस इनके कॉन्टेंट के बेसिक्स पे ही रैंक किया है। तो आई होप आप ये समझोगे एंड गुस्सा इतना नहीं करोगे। अगर तब भी कर रहे हो तो भाई कर दो कमेंट में, दोबारा पता चल जाएगा कि भाई कौन सी एज में बैठे हुए हो भाई अभी तक आप। एंड यप, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, 2000 सब्सक्राइबर तक मेरे को पहुंचना है। एंड अब मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में, टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।